साथियों, एक और आदिवासी विरोधी मानसिकता वाली कांग्रेस है, दूसरी ओर हमारे लिए आदिवासियों का विकास पहली प्राथमिकता है। आदिवासी समाज के विकास के लिए सबसे पहले अलग जनजातीय मंत्रालय किसने बनाया? बीजेपी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया, तब जाकर के हमारे जनजातीय क्षेत्रों में आज विकास प्रारंभ हुआ। जनजातीय समाज के युवाओं के लिए आज बड़ी संख्या में एकलव्य आवासीय स्कूल कौन बनवा रहा है? बीजेपी। यहां भी एकलव्य विद्यालय का निर्माण तेजी से हो रहा है। आपने देखा होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसमें स्थानीय भाषाओं, जनजातीय भाषाओं में शिक्षा देने का फैसला किया तो ये बीजेपी ने किया। आप मुझे बताइए भाई, क्या हमारे जनजातीय बेटे बेटी डॉक्टर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। हमारे जनजातीय परिवारों के बेटे डॉक्टर बनने चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारी बेटियां डॉक्टर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? वो इंजीनियर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? वो वैज्ञानिक बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? लेकिन इन्होंने तो हालत ऐसी रखी थी कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो, डॉक्टर की बात छोड़ दो। गरीब का बेटा, गरीब की बेटी अंग्रेजी पढ़ने के लिए शहर में कहाँ जाएंगे, खर्चा कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये आपका भाई, ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, वो आपका दर्द जानता है। और इसलिए मैंने कहा, अरे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा तो भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। जनजातीय युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसका सबसे बड़ा लाभ मेरे वीर बेटे बेटी जो जनजातीय समाज से आते हैं, वो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो आदिवासी इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। आकांक्षी जिला योजना से, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आदिवासी जिलों का विकास आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने वो काम करके दिए हैं जिनका जनजातीय समाज को 6 दशकों से इंतजार था।